दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया का एक बहुत बड़ा देश हमारा है, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, जिसमें पोटेंशियल, जिसमें संभावनाएं सबसे बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती रही हैं, पूरी दुनिया मानती रही है। लेकिन इसकी जो छवियां जा रही हैं कोविड-19 के दौरान, जिस तरह इस देश की हुकूमत ने अपने लोगों के साथ सलूक किया है, खासकर वे उन लोगों के प्रति जो उत्पादक लोग हैं, जो चीज़ों को पैदा करते हैं, जो यहाँ के कामगार हैं और आम कर्मचारी हैं, आम सर्विस मैन हैं, उन सबको लेकर जिस तरह का सलूक किया है, उसको लेकर पूरी दुनिया में भारत की जो छवि जा रही है वो इतनी निराशाजनक है कि बरसों की जो मेहनत रही है, चाहे इस सरकार की हो या इसके पहले की सरकारें हों, उन सब की जो मेहनत थी भारत की एक बेहतर छवि बनाने की। एक ज़माने में भारत के बारे में तरह तरह की बातें की जाती थी, जादू टोने का देश है, एक ऐसा देश है जहां सपेरे और तमाम तरह की चीज़ें, इस तरह की छवियां एक बिखेरी जाती थी हमारे मुल्क को लेकर। लेकिन सिलिकन वैली से लेकर के और दुनिया के तमाम हलकों में भारतीय जो पेशेवर लोग गए, प्रोफेशनल लोग गए, उनसे छवि काफ़ी सुधरी और फिर हम काफ़ी बड़ी ताकत भी धीरे धीरे बटोरते गए। लेकिन दोस्तों कोविड-19 जब महामारी कोई आती है तो मुझे लगता है कि उस वक्त किसी मुल्क की ताकत या किसी मुल्क की कमजोरी सबसे साफ ढंग से उजागर होती है और भारत के साथ ऐसा ही हो रहा है। इस महामारी ने ऐसा लगता है कि हमारी आर्थिक ताकत बनने की जो दावेदारी थी, हमारी जो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक ताकत बनने की दावेदारी थी और हमारी जो डेमोक्रेसी को लेकर अपने ही मुल्क में जो हम तमाम तरह के दावे करते थे कि हम दुनिया की महानतम डेमोक्रेसी हैं, सबकी ऐसा लगता है कि कोविड-19 के दरमियान सबकी धज्जियाँ उड़ गई हैं। दोस्तों हम बहुत विस्तार में गए बगैर हम सिर्फ चार बातों की बात करेंगे, चार वे बातें जो सरकार के चार दावे हैं, चार बड़े क्लेम्स हैं कि कोविड-19 के दौरान इस सरकार ने जो दावे किए। पहला दावा क्या है दोस्तों? पहला दावा है कि भारत जो है लॉकडाउन के बल पर 21 दिनों में यह जंग जीत लेगा या जंग जीतने की पुरजोर कोशिश करेगा। यह दावा किसी अधिकारी ने, किसी अफसर ने, किसी सरकारी प्रेस रिलीज में नहीं किया गया। यह हमारे देश के प्रधान, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वयं ही जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया, उन्होंने ऐलान के कुछ ही देर बाद बनारस, यानी अपने देश की जो एक बहुत महत्वपूर्ण जो नगरी है, बहुत पुरानी नगरी है जहां से वो चुनाव भी लड़ते हैं, तो अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने ये बात की और उन्होंने कहा कि महाभारत मिथक का सहारा लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि महाभारत 18 दिनों में जीता गया था, हम 21 दिनों में कोविड-19 या कोरोना इस महामारी को हम इसको हरा देंगे या हराने की पुरजोर कोशिश करेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। बल्कि उसके बाद तत्काल रिएक्शंस आने लगे बहुत सारे ऐसे लोगों के भी जो इस सरकार के या इस तरह के मिथकीय आख्यानों के काफ़ी जानकार हैं और सरकार के भी कोई आलोचक या निंदक नहीं है। उसमें से एक मुझे याद आ रहा है, एक सज्जन ने कमेंट किया और बहुत दिलचस्प कमेंट था कि महाभारत से तुलना तो की जा रही है लेकिन महाभारत में जो पांडव 18 दिन में जीते थे उनकी संतानों के साथ क्या हुआ था, उनकी सारी संतानें उस युद्ध में खेत रही यानी मारी गई, अभिमन्यु, घटोत्कच, ऐरावण और उपपंडास, इन चार का नाम लिया गया था और बकायदे ये ट्विटर पर खूब चला, काफी वायरल हुआ। तो हमारा ये कहना है दोस्तों कि मैं नहीं जानता कि हम संतान तो नहीं कहेंगे लेकिन इस देश की आवाम के साथ, इस देश के उत्पादक वर्ग के साथ इस सरकार ने इस जंग में क्या किया है, कैसे ये जंग फेल कर गई है, कैसे इसका कोई मतलब नहीं था इस दावेदारी का कि हम 21 दिनों में, अभी आप देखिए लॉकडाउन के साथ क्या हुआ, कितने लॉकडाउन हो गए, हम चौथे लॉकडाउन में हैं, लेकिन जो तादाद है 1 लाख से ऊपर हो गई है संक्रमित लोगों की और माना यह जा रहा है कि 31 मई यानी इस महीने के अंत तक बेतहाशा ये बढ़ सकती है। मौतों की संख्या भी हमारे यहाँ काफ़ी बढ़ गई है, महाराष्ट्र, गुजरात,
बंगाल और तमिलनाडु, ये चार ऐसे प्रदेश हैं जहां मौतें यानी लोग जो मर रहे हैं उनकी तादाद, उनकी गति जो है काफी बढ़ रही है। तो ये एक पहला जो दावा था सरकार का वो कैसे फेल किया, उसका एक उदाहरण है। और दूसरा जो दावा था वो ये था, जिस पर हमें ज्यादा नहीं कहना है, उसकी तो धज्जियां उड़ गई हैं, उसको तो अब वे लोग भी नहीं कह पा रहे हैं जो इसके महाप्रचारक थे। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल, खासकर जो जी न्यूज जैसे चैनल, आज तक जैसे चैनल, जो लगातार बता रहे थे कि भारत में कोरोना तो आया ही है तबलीगी जमात के कोरोना जिहादियों के कारण। अगर ये कोरोना जिहादी उन्होंने नाम लिया था और सरकारी पक्ष से जो प्रवक्ता आते थे वो भी हाँ में हाँ मिलाते थे, लेकिन अब इसकी धज्जियां उड़ गई हैं इस दावे के, इस झूठ का पर्दाफाश इस तरह हुआ है वो कल्पना नहीं की जा सकती है। अब इसको कोई कहने वाला नहीं है कि हाँ जी यह भी एक मुद्दा है। तो इस तरह से ये दो जो दावे इस सरकार ने किए थे, सचमुच उनका तो इतना बुरा हाल है कि इस दौर में इनका कोई नाम लेवा नहीं हो रह गया है। और कुल मिलाकर इतनी बुरी गति है कि जो इस तरह की चर्चा कर रहे थे लोग, बार बार कर रहे थे, अब वो भी इसका नाम तक नहीं ले रहे हैं। 21 दिन का भी नाम नहीं ले रहे हैं और अब जमात का भी नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो न जाने कितनी जमातें निकल गई हैं, जमात विदिन द कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। और दोस्तों, सरकार का एक तीसरा दावा था जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जिसको सामने लाया था, और उसके बाद निर्मला सीतारमन जी ने चार चार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चार चार प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उस दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिस दिन इटावा के पास, एक बहुत बड़ी मैनपुरी इटावा के पास औरैया एक जगह है, वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें 2500 मजदूर मारे गए थे और अनेक घायल हुए थे। कोई फॉलोअप भी अभी तक नहीं सामने आया कि वो जो घायल हुए थे लोग उसमें कितने बचे और कितने मरे, कौन इस समय परवाह कर रहा है, ये हालत ये हो गई है। लेकिन उन चार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में निर्मला सीतारमन जी ने, और इसके पहले प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो ये पैकेज है जो कोरोना के लिए वो रिलीज कर रहे हैं, जो अनाउंस किया है उन लोगों ने, सरकार ने, उसके बल पर इस देश में किसी को भूखों नहीं मरने देंगे, किसी को परेशान नहीं होने देंगे, किसी को बेहाल नहीं होने देंगे, सबके घर में सारी चीजें पहुंच जाएंगी, सब खुशहाल रहेंगे। लेकिन इस तीसरे दावे की धज्जियां जिस तरह उड़ी हैं, और इस सरकार ने भी कम नहीं उड़ाई हैं, जो मजदूर कहीं जा रहे थे पहले उनको रोका गया था, शुरू में आपको याद होगा कहा गया था कि आप वहीं रहिए जहां आप काम करते हैं, लेकिन जहां वो काम करते हैं वहां मालिक ने उनको निकाल दिया, और घर में जहां रहते थे किराएदार के रूप में वहां किराया अगले माह का न चुकाने के एवज में उनको मालिक ने बाहर कर दिया, अब वो कहां जाते। इस तरह जब वो जाने के लिए उतावले होने लगे तो उन पर लाठियां बरसने लगी, सूरत में, मुंबई में, गुरगांव में, गुरुग्राम अब कहते हैं, गुरुग्राम में, न जाने कितनी जगह पुलिस द्वारा अपने ही भाई, पुलिस के जो कांस्टेबल होते हैं गरीब लोगों के घरों के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही गरीब घर के बच्चों, जो दूसरे बच्चे थे, यानी अपने ही भाई बंधुओं को, अपने ही बांधवों को उन्होंने लाठियों से खूब पीटा, क्योंकि स्टेट चाहती थी कि पीटे जाएं, स्टेट चाहती थी कि इन लोगों को ताकत के बल पर इनको दबा दिया जाए, इनको घर न जाने दिया जाए। तो तीसरा जो ये दावा सरकार का रहा 20 लाख करोड़, हम बहुत इस पर इतनी ज्यादा चर्चा हो चुकी है देश विदेश में कि इस पर हमारे जैसा व्यक्ति जो आर्थिक मामलों का कोई जानकार नहीं है, जो छोटी मोटी राजनीतिक टिप्पणियां कर लेता है, उसको बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन हमें इसी न्यूज क्लिक यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा आर्थिक मामलों के जानकार पत्रकार और हमारे एक अच्छे मित्र पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि ये राहत का पैकेज न होकर ये लोन मेला है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने इस बात को पेश किया। और दूसरे और जो आर्थिक मामलों के जानकार लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो इसको बता चुके हैं, और अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि ये जो लोन मेला है हमारी सरकार का राहत के नाम पर, ये कुल मिलाकर बामुश्किल मैं कह रहा हूं ये 2 लाख करोड़ से भी नीचे का है, 2 लाख करोड़ से भी नीचे का है, और शेष सारा लोन। कौन लोन लेगा, जिसे राहत चाहिए वो लोन लेगा,
और दुनिया के अनेक देश, अमेरिका का नाम ले लीजिए, कनाडा का नाम ले लीजिए, एशिया के जापान का नाम ले लीजिए, बांग्लादेश का नाम ले लीजिए, जर्मनी का नाम ले लीजिए, डेनमार्क का नाम ले लीजिए, ये सभी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर कर रहे हैं। लोगों के वेतन का 3-3 महीने का पूरा भुगतान अग्रिम कर रहे हैं। अनेक जगहों पर जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उनके मालिकानों को 3-3 महीने का वेतन का पूरा पैसा दिया जा रहा है। लेकिन अपने यहां एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई। जब अनाउंसमेंट हुआ लॉकडाउन का, उसके 4 दिन बाद यानी 29 मार्च को, याद रखिएगा यह तारीख, गृह मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके तहत यह कहा गया था कि जो कर्मचारी हैं कंपनी में और फैक्ट्री में, इनको 3 महीने की या अग्रिम जो आगे की जो तनख्वाह है वो मिलती रहनी चाहिए, कोई भी फैक्ट्री वाला कोई भी कंपनी वाला न करेगा। लेकिन हुआ क्या, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट से जो इस पर एक ऑब्जर्वेशन या एक यूं कहा जाए कि एक टिप्पणी आई, उस टिप्पणी के बाद हमारी सरकार ने उस सर्कुलर को भी रद्द कर दिया, वापस ले लिया। यानी अब किसी फैक्ट्री किसी कंपनी पर कोई बाध्यता नहीं रहेगी, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया था कि जब वो कमा नहीं रहे हैं तो वेतन कैसे देंगे। तो अब किसी कर्मचारी को सरकारी आदेश पर, जो पहले कहा गया था, मोदी जी ने कहा था प्रधानमंत्री के तौर पे देश के लोगों को कि सबको वेतन दिया जाएगा, किसी का वेतन रुके ना, किसी को मकान से ना निकाला जाए, अब कोई पूछने वाला नहीं है, संवैधानिक तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पे भी। तो इस तरह से हम अपने कामगार, अपने कर्मचारियों, अपने उन लोगों का हम को राहत पहुंचा रहे हैं जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है उत्पादन की। तो ये तीसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण दावा था पैकेज का, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा था। और दोस्तों, चौथा जो वादा था भारत सरकार का, आत्मनिर्भर भारत का दावा, कमाल का। ऐसा लगता है कि इसके पहले आत्मनिर्भर बनाने की भारत को कभी कोशिश ही नहीं हुई है, और वो कोरोना के दौरान हुई। कोरोना के दौरान क्या हुई, कोरोना के दौरान भारत को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सिर्फ जो मजदूर हैं उनको अमानुषिक अत्याचारों पर ढाए गए, और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे देश की हैं, जितने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, उपक्रम हैं, उनको प्राइवेट हाथों में बेचने की या उनको ट्रांसफर करने की या सबसे अधिक शेयर प्राइवेट सेक्टर से यानी विनिवेशीकरण की उनके खुला छोड़ दिया गया। अब कुछ भी नहीं बचा इस देश में जहां की वे नहीं अपना पैसा लगा सकते या शेयर नहीं ले सकते, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी महारथी जो हैं, और उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक जो क्षेत्र हैं उनको केवल एक सुरक्षित रखा गया है, लेकिन पता नहीं उनका भी क्या हो। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि ये जो मामला है वो पहली बार हुआ, नहीं, पहले भी हो रहा था। विनिवेश की प्रक्रिया बहुत दिनों से इस देश में चल रही थी, निजीकरण का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन चुना गया किस मौके को, चुना गया कोरोना का दौर, जब पूरा विश्व इस महामारी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है, मनुष्यता को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो अपने देश के अर्थतंत्र को प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने में हमारी सरकार जुटी हुई है। कमाल की सरकार है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई सरकार आप गिना कर देख लीजिए। मैं तो कहता हूं कि अनेक पूंजीवादी जो मुल्क है, जो पूरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक है अपने वेस्ट का, आप वहां भी अगर आप देख लीजिए तो वहां लोगों में आवाजें उठ रही हैं और वो आवाजें प्रशासन के गलियारे में सुनी जा रही हैं कि अभी इस कोरोना महामारी से, इस COVID-19 महामारी से हमें जो सबक मिल रहा है वो ये कि पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया जाना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को खासकर। ये बार बार बात हो रही है, लेकिन अपने देश में ना तो हेल्थ सेक्टर, और जो सेक्टर बचे हुए हैं पब्लिक सेक्टर, उनको हम प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। तो कमाल की ये जो आत्मनिर्भरता है भारत की, उसको इस तरह पहुंचाया जा रहा है। और बिल्कुल अंत में दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि ये जो कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था का अंधाधुंध जो निजीकरण है वो आत्मनिर्भरता के ठीक उलट है। इसलिए ये बड़ी अजीब बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि नारा चुना गया है आत्मनिर्भरता, और दिया जा रहा है जो सौंपा जा रहा है भारत की आवाम को, वो है कि पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करना, कॉरपोरेट पर निर्भर करना,
ये जो कॉर्पोरेट और एक तरह से जो मौजूदा जो सत्ता है, जो सत्ता संरचना को चलाने वाले लोग हैं, जो अपने दर्शन को हिंदुत्व का दर्शन कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये कॉर्पोरेट हिंदुत्व है, या यूं कहा जाए हिंदुत्व और कॉर्पोरेट का एक अजीब अलायंस है जो इस महामारी के दौरान जिसका बेहद खौफनाक चेहरा उभर कर सामने आया है। तो साथियों दोस्तों, हम इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं कि कैसे ये चार वायदे कोरोना महामारी के दौरान सरकार के सारे जो हैं चारों खाने चित हो चुके हैं, और इस देश की आवाम, खासकर गरीब लोग, खासकर मजदूर, वे बेसहारा, बेहद बेचैन और कितनी त्रासदी, कितनी यंत्रणा वो झेल रहे हैं, वो हम सब आप देख रहे हैं। आगे क्या होगा देखना बाकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.